गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका अपना दोस्त विनोद। और जैसा कि आज का मुद्दा आपने पढ़ ही लिया होगा कमेंट बॉक्स में, आपको देने हैं इन सवालों के जवाब। क्या आप आज़ादी पसंद करते हैं? अगर हाँ तो क्यों? क्या हम आज़ाद हैं? अगर है तो कैसे, और नहीं तो कैसे? अपने आप को आज़ाद रखने के लिए क्या करते हैं? कुकावास के इन गांव को अपनी आजादी के लिए क्या करना होगा? आपका अंतिम मैसेज कोटड़ा टाइम्स से सभी को क्या देना चाहते हैं? तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब अगर आप भी देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेरे नंबर जो है वो मैं यहाँ कमेंट बॉक्स में दोबारा लिख लेता हूँ, जिसके जरिए आपको मुझे कॉल करने में आसानी होगी। और साथ ही साथ में कुछ दोस्तों ने मुझे अपना नंबर भी दिया है, मैं उनको भी कॉल करके उनके विचारों को आप तक पहुंचाने वाला हूं। तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे नंबर जो आपको मैंने कमेंट बॉक्स में लिख के दिया है उसमें। और साथ ही साथ में मैं चाहूंगा कि आप अगर इन सवालों के जवाब देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर भेज सकते हैं। साथ ही साथ में मेरा नंबर व्हाट्सएप पर देता हूँ, जिस पर आप अपना नंबर व्हाट्सएप मैसेज में भी डाल सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9680476008। तो जिस किसी दोस्त ने हमें अपना नंबर दिया है, मैं उन्हें कॉल करने वाला हूँ। और सबसे पहला जो हमारा आज का कॉल रहने वाला है, आज की इस बातचीत का, वो है द्रांगी काला करके एक दोस्त है जिन्होंने अपना नंबर लिखवाया था। मैं उन्हें अभी कॉल कर रहा हूँ और वे इस बारे में क्या कहते हैं अपने विचार, और उनसे हम जानेंगे उनके विचारों को। 7433009522। तो हमारे दोस्त को हम कॉल कर रहे हैं जिनका नाम द्रांगी काला है। अब ये कहाँ से है वो भी हमें कॉल करने के बाद ही पता चलेगा। आप मुझे देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में फोन है और मैं अभी इनको कॉल कर रहा हूँ। तो रिंग जा रही है, वो कॉल उठाएंगे और हम उनसे बातचीत करेंगे। आप इस कॉल को लाइव सुन पाएंगे फेसबुक के जरिए और आप अपना विचार भी बता पाएंगे। हेलो, हेलो। हाँ नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं? मैं विनोद बात कर रहा हूँ कोटड़ा टाइम से। हाँ ठीक है। द्रांगी आपका नाम क्या है? कहाँ भाई? द्रांगी काला भाई। तो द्रांगी काला भाई, जैसा कि आज अभी जो हम बातचीत कर रहे हैं, आपने हमारे मैसेज को पढ़ा और उसके बाद आपने अपने जवाब भी देने के लिए हमें अपना नंबर भी लिखवाया था, तो ब्लूटूथ क्या आप अभी कनेक्टेड। तैयार हैं अपने जवाब देने के लिए? क्या? आपको मैंने व्हाट्सएप में एक मैसेज डाला था और आपने अपना नंबर भेजा था, तो मैं आपको अभी हाँ सवाल पूछने वाला हूँ। क्या आप तैयार हैं जवाब देने के लिए? कौन सा जवाब? क्या आप आज़ादी पसंद करते हैं? आजादी कैसे? आपने अपना नंबर डाला था व्हाट्सएप में, आपको याद हो, थोड़ी देर पहले। हाँ हाँ, तो मैं विनोद बात कर रहा हूँ, पहचाना? हाँ पैसा ना। हाँ, तो आपने आपको मैंने बोला था कि मैं कॉल करूंगा, तो अभी आपको 5 सवालों के जवाब देने हैं, ठीक है? हाँ आजादी मतलब है कैसे ये? आप आजादी पसंद करते हैं? हाँ तो करता हूँ ना, क्योंकि क्यों करते हैं? हम आजाद होंगे तो ये पीछे रह सकेगा ना, कोई बात पसंद नहीं होगी, कोई हैरान नहीं करेगा। जी, दूसरा सवाल है, क्या आज हम आजाद हैं? अगर है तो कैसे, और नहीं तो कैसे? नहीं, देखिए देश तो आजाद हुआ मगर हम आजाद नहीं है। ठीक है, जी ये पहले भी मैं सुनाया था कि कोटड़ा में किसी कुवासा गांव में ये आदिवासी को परेशान कर रहा है पुलिस वाला, तो आजाद है तो वो परेशान नहीं कर सकता ना। जी जी तो अपने आप को आजाद रखने के लिए क्या करते हो आप? वैसे तो पुलिस वालों की तो सुरक्षा को क्या सपोर्ट होना चाहिए ना हमको। जी, आप अपने आप को आजाद कैसे रखते हैं? ऐसे खुद को आजाद हाँ, आप अपने आप को, खुद को कैसे आजाद रखते हैं?
वैसे तो हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ये अमीरगढ़ में, वैसे मैं तो आजाद ही हूँ। जी ओके। और अब तीसरा चौथा सवाल है, कुकावास के इन गांव को अपनी आजादी के लिए क्या करना होगा जिनकी हम बात कर रहे हैं? हेलो एक मिनट, वैसे तो उन सबको मिलकर सरकार के साथ में सवाल उठाना चाहिए जी एकता रखकर। जी और आप अभी कोटड़ा टाइम्स के जरिए बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं क्या आप अभी बहुत सारे लोगों को अपनी बात सुना रहे हैं, तो अभी आप कोटड़ा टाइम्स से क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? वैसे तो मैंने अभी बोला ना, सबको एकता होना चाहिए और सबको मिलकर सरकार के साथ में ये सवाल उठाना चाहिए कि आजादी के ये पुलिस वाला उसने जो बात उठाया ना जी ऐसे। जी बहुत बहुत धन्यवाद कालाराम जी, आप हमारे साथ जुड़े और अपने विचार बताए। तो दोस्तों, ये हमारे साथ जुड़े थे काला, ये धनपुरा से हैं और इन्होंने अपने विचारों को हमारे तक रखा और फेसबुक के जरिए आप सभी लोग सुन रहे थे। मैं चाहूँगा कि आप भी अपने जो भी विचार है वो हमें कॉल करके मैसेज करके बता सकते हैं, और साथ ही साथ में अगर आप अपना नंबर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम आपको कॉल करेंगे और आपके विचारों को भी फेसबुक के जरिए और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हुए दूसरी कॉल की ओर बढ़ते हैं, जिनका नाम किरण कुमार खैर है, इनसे हम बातचीत करते हैं और उनका क्या कहना है वो भी हम जानते हैं। तो मैं अभी नंबर डायल कर रहा हूँ, 7568241566। आइए वे क्या कहते हैं सुनते हैं उनसे। तो अभी नंबर डायल हो रहा है जिसे आप सुन सकते हैं। हेलो। हेलो, किरण कुमार हेलो। बात कर रहे हैं? हाँ किरण कुमार बोल रहे हैं हाँ सर, मैं किरण कुमार बोल रहा हूँ। जी। मैं कोटड़ा टाइम से विनोद बात कर रहा हूँ जी हाँ सर। जी। तो अभी आपने जवाब देने के लिए अपना नंबर दिया था, तो हाँ आपके बारे में बताइए, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मैं किरण कुमार खोखरिया, गांव बोल्डी कला से हूँ, कोटा तहसील में। कोटड़ा तहसील से हैं। तो अभी मैं आपको पांच ठीक सवाल पूछने वाला हूं, उनके आपको जवाब देने हैं, ठीक है? सर। आप क्या आप आजादी पसंद करते हैं? अगर हाँ तो क्यों? हेलो। मैंने पूछा, अगर आप आजादी पसंद करते हैं, अगर हाँ तो क्यों? सर आजादी इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि हम आजाद रहेंगे तो सुरक्षित कहीं भी घूम सकते हैं, हमारे मन पसंद का जो करना वो हम कर सकते हैं। जी। क्या आज हम आजाद हैं? अगर है तो कैसे और नहीं तो कैसे? सर आज आजाद तो है और यूं मतलब नहीं के बराबर भी है क्योंकि ये मतलब हमारे ऊपर बड़े बड़े मतलब वो डकैती होती है और कहीं रात को निकलते हैं तो हम निकल नहीं सकते हैं, इसलिए मतलब आजाद तो है लेकिन नहीं के बराबर है। नहीं के बराबर है। अपने आप को आजाद रखने के लिए क्या करते हैं आप? अपने आप को आजाद रखने के लिए और हम पर क्या करेंगे, हमारे गांव में मतलब एक अच्छी सुरक्षा और सब लोग जागरूकता हो, ऐसे मतलब कोई चोरी डकैती नहीं करें और जी मतलब सब समझे कि मतलब आजाद रहने से क्या होता है, मतलब ये सब। जी और आगे का जो हमारा सवाल जो है वो ये है कि कुकावास के इन गांव में कुकावास के इन गांव को अपनी आजादी के लिए क्या करना होगा? कुकावास की ना सर, कुकावास की आजादी के लिए जो अपना रनिया के वाले गेट वाले हैं उनको सर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए सबको जी मिलके, और जी यहाँ पुलिस वाले भी करते हैं तो सर एसपी नहीं करता तो फिर और आईजी है कमिश्नर है जी तो उसको तो करना पड़ेगा सर, फिर ऐसे भी ऐसे तो फिर क्या करेंगे। जी
और अभी आपको कोटड़ा टाइम से बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देना चाहता हूँ सर, ये आजाद रहने के लिए हम जो करें आगे बढ़े, और जी जो मतलब जो जिसके खिलाफ जो ज्यादा वो शरीर डकैती हो रही है उसको उसकी कानून कार्रवाई करें जी, और हम सुरक्षित रहेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी, आपने अपना वक्त दिया और अपने विचारों को बताया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों ये हमारे साथ जुड़े थे किरण कुमार कोटड़ा तहसील के बोरडी गांव से, और इन्होंने अपने विचारों को रखा। आप भी अपने विचारों को हमें हमारे जो नंबर दिए हैं कोटड़ा टेंस के 9079927430 इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ में आप व्हाट्सएप नंबर भी दिया है इस पर अपना मैसेज में नंबर भेजिए ताकि हम आपको कॉल करके आपके विचारों को भी जाने। अभी मैं तीसरे कॉल की ओर बढ़ूंगा, नंबर किसका है मैं देख के आपको कॉल करता हूं, और वे क्या कहना चाहते हैं आज के हमारे जो सवाल है उसके बारे में वो हम उनसे जानेंगे। तो फिलहाल मैं जो आगे कॉल की ओर बढ़ रहा हूं जिनका नाम रमेश गमार है, 9712127 37 नंबर मुझे मिल चुका है, मैं अभी इनको कॉल कर रहा हूँ, रिंग जा रही है। द्वारा डायल करवामा आवेल नंबर उपयोग में नथी, कृपा करी। तो ये नंबर नहीं लग रहा है, दूसरा इनका एक दो नंबर दिए गए हैं, मैं दूसरे नंबर पर कॉल करता हूँ, बात हो जाएगी, अगर बात होती है तो इनके विचार भी हमें जानने को मिलेंगे। साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप भी हमें कॉल करके या मैसेज में अपना नंबर देके अपनी बात रखना चाहते हैं तो जरूर कॉल करें। एक कॉल जा रही है जिसपे हम नंबर पर कॉल करो छो हाल में स्विच ऑफ छे। तो ये नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, मैं नेक्स्ट जो अगला कॉलर हमारा है उन्हें मैं कॉल करूंगा, जिनका नाम है मुकेश जी और भोला से, आइए इनको कॉल करते हैं, वे क्या कहना चाहते हैं वे सुनते हैं। तो फिलहाल मैं कॉल कर रहा हूँ हमारे एक दोस्त मुकेश जी को, और वे क्या कहना चाहते हैं वो भी हम सुन पाएंगे। अगर मैंने एक भी नंबर गलत डाला तो शायद कॉल कहीं और भी जा सकती है, इसलिए ध्यान से नंबर डालने की कोशिश कर रहा हूँ। 8769 85 नंबर मुझे मिल गया है, अभी इनको कॉल जा रहा है, रिंग जा रही है, क्या होता है देखते हैं। आप भी अपने विचार बताइए, कॉल कीजिए हमारे नंबर कोटड़ा टाइम्स 9079927430 पर। फिलहाल मैंने कॉल की हुई है लेकिन किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही है, रिंग जा रही है, हम बात करेंगे इनसे। हेलो नमस्ते। हाँ नमस्ते, विनोद बोल रहा हूँ मुकेश जी। हाँ बोलिए। तो जैसा कि आपने भी अपना नंबर दिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए लाइव फेसबुक पर, तो जो 5 साल है, सबसे पहले आपके बारे में आप कहाँ से बोल रहे हैं और कौन बोल रहे हैं? मैं मुकेश कुमार गमेती साजालापली भूला से बोल रहा हूँ, तहसील पिंडवाड़ा जिला सिरोही जी। तो जी मुकेश जी, आज 5 सवाल मैंने रखे हमारे सभी दोस्तों के लिए आजादी से जुड़े। हाँ। तो पहला सवाल है, क्या आप आजादी पसंद करते हैं, अगर हाँ तो क्यों? हम आजादी पसंद करते हैं क्योंकि आजादी एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हम अपना कोई भी मतलब लक्ष्य होता है उसको पूर्ण कर पाते हैं। अदरवाइज अगर हमारे ऊपर कई सारे प्रतिबंध होते हैं या हमारे ऊपर किसी का आधिपत्य होता है तो हम अपना सर्वस्व विकास नहीं कर पाते जी। इसलिए आजादी मतलब बहुत जरूरी है जी। तो क्या आज हम आजाद हैं, अगर है तो कैसे और नहीं तो कैसे? आज वैसे तो कहने को तो हम आजाद हैं, लेकिन कई सारी ऐसी परिस्थितियां जैसा अभी आपने न्यूज चैनल से भी बताया है, और सबसे ज्यादा आदिवासी क्षेत्र की बात मैं करूंगा जी, तो वो क्षेत्र आज भी आजाद नहीं है जी। तो क्योंकि आजाद वो होता है जो अपना सब कुछ विकास करता है, कहने को 1947 में अपना जो भारत देश है स्वाधीन हुआ, लेकिन जी आज तक आदिवासियों की स्थिति जस की तस बनी हुई है, और इसके पीछे आज भी कई लोग कर्मचारी हो नेता हो सब एक प्रकार का मतलब आधिपत्य जमा रखे, और कोई आदिवासी का विकास नहीं किया जा रहा है, और
अगर आदिवासी सामने होकर बोलता है तो उसको दबाया जा रहा है, उसकी आवाज को दबाया जा रहा है जी। तो आप अपने आप को आजाद रखने के लिए क्या करते हैं? मैं आजाद रखने के लिए खुद को एक दृढ़ निश्चयी तौर पर तैयार कर रहा हूँ और अपने आसपास और अपने जो सामाजिक जो इलाका है अपना, जहाँ पर भी हर जगह जाके लोगों को यही बात बताता हूँ कि हम अपने हक अधिकार के लिए लड़े और संघर्ष करें। और संघर्ष ही जीवन है, क्योंकि अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे, किसी के सामने बोलेंगे नहीं, तो हम अपना जो आजाद जो अपने पर्वत है वो हासिल नहीं कर पाएंगे जी। और चौथा सवाल है कि कुकावास के इन गांवों के बारे में जब आप कोटड़ा टाइम्स के जरिए जान रहे तो इन्हें अपनी आजादी के लिए क्या करना होगा? इन्हें अपनी आजादी के लिए सर आपको मैं बता दूं, क्योंकि मेन जो चीज है हमारा पीछे रहने का या गुलाम बनने का कारण है अभी का जो हाल का इसके बारे में बताएं और पहले के बारे में तो शिक्षा की कमी जी। तो सबसे पहले क्या है कि शिक्षा की कमी है और लोग जानते नहीं। और अब आप जो अभी वहां गए आपने देखा कि वहां पर जैसे चार पांच बंदे ऐसे जो पढ़े लिखे हैं अपना कुछ रोजगार भी कर रहे हैं, तो उन लोगों को ऐसी गैंग जो आपने उसमें नाम बताया उसका मैं जिक्र भले करूं या नहीं करूं आपको पता ही है, तो इस प्रकार की जो गैंग है वो अशिक्षा के कारण ही पैदा हुई है। वो शिक्षित लोग नहीं है, वो केवल उनका दिमाग वहीं तक सीमित है, उनको बस लूटमार करना है, उसको कोई समाज से लेना देना नहीं है, उनको देश से लेना देना नहीं है, उनको केवल अपना स्वार्थ दिखता है और स्वार्थ के खातिर वो किसी को भी मार पीट सकते हैं और यही वहां पर हो रहा है जी। और लास्ट में आप कोटड़ा टाइम्स के जरिए आपको बहुत सारे लोग देख और देख तो नहीं पा रहे लेकिन आपकी आवाज सुन पा रहे, उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप अपने हक अधिकार के लिए आगे आए, शिक्षा हासिल करें और ऐसी शिक्षा हासिल करें जिससे आप आर्थिक रूप से भी मजबूत हो, सामाजिक दृष्टि से मजबूत हो, राजनीतिक दृष्टि से मजबूत हो, किसी के आगे हाथ नहीं पसारे। और उसका सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा, और शिक्षा का इस्तेमाल करते हुए अपने संवैधानिक अधिकारों को जानते हुए अगर जैसे अभी उससे उनका गांवों का जो घटना है उन गांवों की तो जो घटनाएं हो रही है थाने वाले उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे हैं, तो आगे तक जाने के लिए अगर हमारे पास शिक्षा है, हमारे पास कानूनी जानकारी है, संवैधानिक ऐसे जानकारी हमारे को प्राप्त है, तो हम आगे तक जाकर अपने जो आजादी के लिए या अपने जो अधिकारों को प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, थैंक यू। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे साथ जुड़े थे मुकेश जी भूला से, इन्होंने अपने विचारों को बताया। दोस्तों आदिवासी विनोद फेसबुक लाइव एंड कोटड़ा टाइम्स के जरिए इन मुद्दों पर चर्चा करने की जो मेरी एक कोशिश है, और इसके जरिए मैं जो कोशिश करना चाह रहा हूँ वो ये कि लोग क्या सोचते हैं और सोचकर किस तरह की खुद की जिंदगी को जी रहे हैं, और हम देखते हैं आसपास की माहौल जो है वो कैसा बना हुआ है, और उस माहौल को चेंज करने के लिए हम अपने आप को कितना चेंज करें, क्या केवल हम अपनी जिंदगी को जिए या कहीं कुछ गलत हो रहा है उसके लिए आवाज उठाए, या फिर अपनी जिंदगी में मस्त रहे, हो कुछ भी सकता है। तो आपके साथ जो मेरी आज लाइव बातचीत चल रही है इन पांच सवालों को लेकर, अभी तक चार लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन के जरिए, और बाकी और भी व्हाट्सएप में मुझे मैसेज आए हैं, मैं व्हाट्सएप जो है वो देख कर उन्हें भी कॉल करने की कोशिश करूंगा। अभी एक और नंबर है, दो नंबर है हमारे पास, दोनों नंबरों को मैं कॉल करता हूं। तो सबसे पहला जो कॉल है जिसमें राजू राम नाम लिखा है, आइए मैं कॉल करता हूं 9694639197। आइए हमारे इस दोस्त को कॉल करते हैं, जानते हैं इनसे इनके विचार। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपने विचार बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिखिए। फिलहाल रिंग जा रही है, हमारी बातचीत भी हो जाएगी। हेलो, हेलो, राजू राम बात कर रहे हैं? हाँ। तो राजू राम जी, कोटड़ा टाइम से विनोद बात कर रहा हूँ। शायद या तो वे भीड़ में है या फिर कुछ तो प्रॉब्लम है जिस वजह से कॉल कट चुका है, लेकिन व्हाट्सएप में कुछ और भी नंबर दिए हुए हैं, मैं उन नंबरों पर कॉल करता हूँ।
अच्छा रंचाराम भुमरिया करके एक और नंबर है, इस पे कॉल करता हूँ, वे क्या कहते हैं उनसे भी हम जानते हैं। 6350139445 आइए सुनते हैं उनकी बात, वे क्या कहना चाहते हैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया। तो फिलहाल ये नंबर तो व्यस्त आ रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अगर अपने विचार कुछ बताना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिखिए, साथ ही साथ में आपको आज की हमारी ये जो चर्चा चल रही है वो कैसी लगी ये भी बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आप आखिर क्या कुछ सोच रहे हैं हमारी इस चर्चा के बारे में। दोस्तों आज का ये जो मुद्दा रखा है और इस मुद्दे में आपको शामिल करने का मेरा खास मकसद ये है कि आप क्या पसंद करते हैं, आजादी या फिर गुलामी। नीचे YouTube का एक URL वीडियो का लिंक दिया हुआ है, इस वीडियो के लिंक पर जाकर आप जान सकते हैं कि कोटड़ा तहसील के कुकावास में किस तरह की गुलामी का एक जो माहौल बना हुआ है, जिस माहौल को आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आपके साथ जुड़े हुए 3-4 सवाल है, क्या आप आजादी पसंद करते हैं, अगर हाँ तो क्यों, क्या आज हम आजाद है, अगर है तो कैसे और नहीं तो कैसे, अपने आप को आजाद रखने के लिए आप क्या करते हैं, कुकावास के जो गांव में आजादी का भी माहौल नहीं है उसे कैसे बना सकते हैं, और आपका अंतिम मैसेज हमारे सभी श्रोताओं के लिए क्या होगा ये। तो आप अपने विचारों को बताने के लिए हमें मैसेज में भी अपना नंबर लिख सकते हैं और साथ ही साथ में व्हाट्सएप में भी। एक बार हम दोबारा जो नंबर हमें दिया हुआ है उस पर कॉल करके देखना चाहेंगे। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ लगता है वो किसी और कॉल पर व्यस्त है। और एक और दूसरा जो मैसेज आया है राजाराम करके, तो वो दोस्त कहाँ से मुझे नहीं पता, पर उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि ओनली फॉर व्हाट्सएप विनोद जी सवाल कीजिए। अब सवाल तो व्हाट्सएप में दिए हुए हैं, आप अपना जवाब शायद अगर देना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप मैसेज में लिख के भी दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अब आप सभी से अनुमति लेना चाहूंगा, क्योंकि 20-22 मिनट हो चुके हैं आपके साथ बातचीत करते हुए, और जाते जाते बस यही कहना चाहूंगा कि ये जो आज की चर्चा है वो केवल चर्चा बनकर ही ना रहे, आपके अंदर अगर आजादी पसंद करने की चाहत है, ललक है, तो आप उसे हासिल करने की कोशिश करें। और आजादी क्यों पसंद करते हैं थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, और क्या आज के समय में हम आजाद हैं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और कैसे आजाद हो सकते हैं। और साथ ही साथ में हमारे एक दोस्त हमारे साथ लाइव जुड़ना चाह रहे थे, उन्होंने हमें कॉल किया दूसरे नंबर पर, मैं उन्हें कॉल करता हूं और उनसे जुड़कर उनके जो विचार है वो मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। तो हमारे दोस्त का नाम है अश्विन जी, अश्विन जी को मेरा कॉल अभी जाने वाला है, फिलहाल मैं उनका नंबर निकाल रहा हूँ, जैसे ही उनका नंबर निकल जाता है मेरा कॉल उनको जाएगा। लेकिन अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जरूर हमें कॉल करें, मेरे नंबर जो है 9079927430 पर। और फिलहाल मैं अश्विन को कॉल कर रहा हूँ, आइए उनसे हम सुनेंगे उनके क्या विचार है, वो कॉल जा रही है, रिंग जा रही है, वो क्या कहना चाहते हैं तो जान पाएंगे। हमारे एक दोस्त पीछे ही बैठे हुए हैं, वो भी मुझे सुन रहे हैं। तो हमारे दोस्त को कॉल जा रहा है, वो उठाते हैं या नहीं पता नहीं। लगता है हमारे दोस्त शायद कहीं बिजी होंगे, फिलहाल मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए विचार के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही लाइव आते रहूं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर या फिर अपनी बात या अपना जो भी विचार है वो लिखते रहें, और हमारे वीडियोस को देखते रहें, और इस वीडियो को मैं यूट्यूब पर भी डालूंगा, ताकि आप अपने और दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ में इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों को, कई लोगों के जो विचार है इन सवालों के बारे में जो दिए हैं वो सुन पाएंगे। तो फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलूंगा कोटड़ा टाइम्स में एक नए विषय के साथ, नए मुद्दे के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।